और अभी हम लोग जैसे आज हमारे पास जबरदस्त लीडरशिप है और एक हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसके ऊपर जाना पसंद करेंगे। तो जयेश भाई ने एजुकेशन फील्ड में 18 साल दिया हुआ है और उन्होंने टेक्निकली लोगों को बहुत सारा पढ़ाई कॉलेज में सिखाया हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके साथ साथ में वो एमबीए बिजनेस में आज ऐसे सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोला जाता है, मतलब कि बिजनेस डेवलपमेंट में टेक्निकल नॉलेज के साथ ऐसे स्किल चाहिए जो पीपल्स को हैंडल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आज हमारे साथ वो एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आ रहे हैं, ए स्किल दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ एंड कैरियर। मतलब कि जो भी स्किल हम सीखते हैं वो खाली कैरियर के लिए नहीं लेकिन हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी जरूरी होते हैं। और ये टॉपिक हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। सुनील भाई और धर्मिष्ठा जी ने एक सिक्वेंसेस बनाई हुई है। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जैसे संजय के साथ बात किया था टाइम मैनेजमेंट में, तो आज हम लोग बात करें स्किल दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ एंड कैरियर। और अगले जब नेक्स्ट वीक जब हम सुरेश भाई के साथ बात करेंगे तो वो सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग ही उनकी बात होगी, तो आप जरूर वो अटेंड करिए। लेकिन आज जयेश भाई हमारे पास है और उनका हमें बेनिफिट लेना पसंद करेंगे। तो हियर इज जयेश एंड जयश्री पटेल ऑन द डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू जयेश भाई। ओके, थैंक यू थैंक यू। राइट, अरेंजमेंट इतना बढ़िया होता है ना। राइट, वो बोलते हैं ना कि भाई डाइनिंग टेबल में बैठने वाला महान नहीं है, लेकिन उस डाइनिंग टेबल का जो अरेंजमेंट करता है ना वो महान है। और वो किचन में जैसे कोई काम करता है, बाहर से कुछ आता है और बाद में फिर वो डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। राइट, उसी तरह तो यहाँ पे महान वो है कि जैसे कि सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा भाई, हाँ वो पूरा ये ट्यूसडे लगे रहते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। तो उनके लिए एक बार क्लैपिंग जबरदस्त हो जाए। राइट, हमारे जो एक्साइटेड होस्ट है हेमंत और अर्चना पदारिया के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। राइट दोस्तों, ये आज का टॉपिक जो आपको हेडिंग मिला हुआ है कि स्किल दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ एंड करियर, तो ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अभी करंट में ही मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। राइट, पर आई थिंक सबको पता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, पीएचडी हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है। और अभी हम गांधीनगर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में संडे के दिन अभी हमारे एक गेस्ट आए थे, मेरे ब्रदर ही, बिग ब्रदर, और वो मेरे मामा के लड़के। और जब मैं छोटा था ना, मैं पैदा नहीं हुआ ना तब से मेरे मामा टीचर थे। राइट, तो ऑब्वियसली उनके लड़के को सब कुछ चीजें मिली होगी। लेकिन हम जब छोटे थे और वो लोग जब हमारे गांव में आते थे, हमारे घर में आते थे ना, तो हमारे घर में खाना कहाँ पे खाया जाता था पता है? घर में जैसे ही एंटर होते थे ना, तो वहां पे घर में दो बफेलो रखते थे, तो वो बफेलो वहां पे ही घर के अंदर ही रहती थी। उनके छोटे बच्चे भी हो, ठीक है, अगर वो पूंछ हिलाए ना पूंछ, तो खाने में भी कुछ आ सकता है। राइट, और वहां पे वो भी खाना खाते थे जब गेस्ट के तौर पे आते थे तब, और हम भी खाना खाते थे, वो लाइफस्टाइल थी। और अभी लास्ट संडे वो मेरे घर पे आए थे और उनको मैंने डाइनिंग टेबल पे सब खाना पिरोसा, सब खाना दिया। तो उन्होंने जैसे ही खाना शुरू किया ना, तो उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी, उनके बच्चे भी थे, तो वो मामा के लड़के ने क्या बताया पता है? उन सबको बोला कि भाई देखो, सक्सेस इसको बोला जाता है कि एक वक्त ऐसा था और आज हम कहाँ पे, जयेश वही है, वही जयेश है कि जिनके घर में हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और एसी है। राइट, तो देखिए सक्सेस से मुझे याद आया, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। राइट, लेकिन ये सब चीजें क्या रातों रात बदल सकती है? ठीक है, अगर हर कोई चाहता है सफलता, किसी को नहीं चाहिए भाई। राइट, हाँ, इन लाइफ एंड करियर, करियर की बात आए तो भी लोग करियर में भी सक्सेस, सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेस के लिए भाई क्या पे करना है, क्या क्वालिटी चाहिए? तो उसमें से आज एक क्वालिटी है जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। राइट, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कॉन्फिडेंस, और हाँ कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है,
जिसे बोला जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। अगर सोचिए कि जैसे कि हम स्विमिंग पूल के पास में खड़े हैं, या तो हमें हम बात कर रहे हैं, जैसे पान के गल्ले पे लोग बातें करते हैं ना, तो वहां जाके खड़े रहना, वहां पे जितने भी मेजोरिटी लोग ओवर कॉन्फिडेंस वाले ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी बात आएगी ना तो उसमें वो तुरंत ज्वाइंट होके बोलेंगे। हाँ, आप वहां पे जाके बोलो कि भाई स्विमिंग, अगर पानी है और स्विमिंग करना है, तो तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस वाला क्या बोलेगा, हाँ मैं जंप लगा लूंगा, ठीक है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस मींस कि सफलता के लिए खुद में आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मविश्वास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और क्यों आत्मविश्वास चाहिए, तो हरदम हमारे अंदर, मैं जैसे ये बात कर रहा हूं आपसे, वैसे ये जयस के अंदर एक और जयस रहता है, राइट। वो जयस हरदम उसको क्या बोलता है, कोई भी अगर नया काम आए ना, तो सबसे पहले एक घंटी बजती है दिमाग के अंदर, या एक क्वेश्चन मार्क्स देता है कि यार ये मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आत्मविश्वास से सफलता तभी मिलती है जब उसमें वही हकारात्मक आंसर मिले, और इसी के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मविश्वास को इच्छा और प्रेरणा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, राइट। तो हमारे में वो चीज थी, हमने वो चीज जब हम पैदा हुए ना तब नहीं थी। कोई भी देखिए, कोई भी हम जितने भी यहां पे स्क्रीन पे हैं, तो आत्मविश्वास पैदा जन्म के साथ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमारा जैसे लालन पालन होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जिस माहौल में बड़े होते जाते हैं, उस माहौल के हिसाब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बनता जाता है, राइट। जब मैं छोटा था तो नए कपड़े पहन के अगर मोहल्ले के बाहर निकलना हो ना, तो भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लगता था, राइट। तो अभी सोचिए कि अभी इतने सारे लोगों के सामने बोलना है, राइट। इतना बिजनेस हम कर रहे हैं, किसी के साथ भी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी के साथ करोड़पति है तो भी उसको हम बोलते हैं कि भाई अभी जीवन में क्या कमी है तुम्हारे, अगर कुछ कमी है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो वो कॉन्फिडेंस आया कहां से, वो आत्मविश्वास आया कहां से? तो वो आत्मविश्वास हम पा सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं हमारे लाइफ में, राइट। आज वही आत्मविश्वास के तौर पे मेरी वाइफ 100% मेरे पास है, 100 मींस कि 24 hours, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस हमें इस कंपनी पे है। अभी करंट में ही आपको बताया कि भाई हमारे अंदर आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत क्यों है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। तो करंट में ही एक ऐसा न्यूज बीच में आ गया कि बहुत सारे लोग उससे मींस कि परेशान हो गए थे, मींस कि डर गए थे कि अभी क्या होगा क्या होगा, राइट। तो उस टाइम पे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वही ना वही रहा है, राइट। तो कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो उसका एक पिलर है पैशन, कि जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, कभी भी आपका पैशन कम नहीं होना चाहिए उस काम के प्रति, राइट। तो हमारा हमेशा ये बिजनेस देखने के बाद, ये प्रोडक्ट्स देखने के बाद कि भाई हम इसमें ग्रो कर सकते, तो हमने हमारे बेडरूम में एक
लाइन लिख दिए कि भाई हम जिंदा है ना तब तक ये कंपनी के साथ में है। कोई जगह ही नहीं रखी कि कोई आके उसमें पंक्चर करे, राइट। घर में हर रूम में, हाँ, मैजिक कॉर्नर तो घर के बाहर एंटर होते हैं ना, तभी आर्किटेक्ट ने अभी ये डिजाइन किया ना, तो उसमें भी, हाँ, वो भी, क्योंकि एक्चुअली जब तक मैं पैशनेट नहीं होऊंगा, जब तक मैं ये प्रोडक्ट्स के प्रति मेरा पैशन नहीं बनेगा, हाँ, तो कभी भी मेरा आत्मविश्वास कम हो सकता है, राइट। और एक बुक्स में मैंने पढ़ा था, जिसके लेखक का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, कि उनका नाम है मार्गी वॉरेल। वो उन्होंने बताया है कि चार रणनीतियों की उन्होंने सिफारिश की है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, जिसमें उन्होंने फर्स्ट मुद्रा दी हुई है शक्ति मुद्रा। ठीक है, मीन्स कि जैसे कि अगर बिजनेस, हमारे बिजनेस के रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जब हमें किसी के साथ बात करने के लिए जाना है, राइट, किसी को बिजनेस दिखाना है, राइट, तो उस टाइम पे हमारे अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है, राइट। तो वो शक्ति मुद्रा मीन्स कि वो हमारी बॉडी से प्रकट होता है उस टाइम पे। आत्मविश्वास हमारे शब्दों से नहीं होगा। मैं किसी के भी पास जाऊंगा, बात करने के लिए बैठूंगा, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हाँ, कंधे पीछे रख के एकदम साथी छाती निकाल के मुझे बताना है उनको, उनके पास जाना है। दैट्स कॉल्ड द शक्ति मुद्रा, राइट। दूसरा उन्होंने एक टॉप बताया है कि अपने नायकों को चैनल करें। हाँ? नायक मीन्स कौन? लीडर। ये बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि यहां पे मेरे ऊपर कोई लीडर्स है जो मुझे हरदम सिखाते हैं। मेरा फोकस अगर उन पे बना रहेगा, मेरा फोकस अगर मेरे जो लीडर्स है जो सक्सेसफुल ये बिजनेस में हुए हैं उन पे हमेशा बना रहेगा, ठीक है, उनसे जुड़ा रहेगा, और मैं हमेशा वही सोचूंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहा है, राइट, उन सब चीजों के बारे में सोचता रहूंगा, तो मेरा आत्मविश्वास इस बिजनेस के प्रति हमेशा बना रहेगा। ठीक है, राइट। और तीसरा चीज है, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दे, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम, राइट। कई बार क्या होता है कि भाई हम चाहते हैं ये बिजनेस में प्लेटिनम जाना है, फाउंडर्स प्लेटिनम, डायमंड, एमरल एंड डायमंड, राइट, लेकिन हमें बैठ के सोचना है कि हमारा हमारा ध्यान कहां पे है, हम सोच क्या रहे हैं, राइट। तो अगर हमारी सोच अलग डायरेक्शन में है और हम जाना अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तभी भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, राइट। और चौथी बात जो बताई है उन्होंने वो है मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करें, राइट। विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास का निर्माण होता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हम हमें ये भी सोचना है कि भाई हम ये सब कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, राइट, क्यों कर रहे हैं, इससे हमारी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। और ये सब अगर विजुलाइज करते हैं तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, राइट। कॉन्फिडेंस के लिए जैसे पैशन के लिए मैंने बताया, वैसे ही प्रैक्टिस कि जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि अगर एक मैकेनिक है और वो मैकेनिक का कॉन्फिडेंस हाई कब हो सकता है, अगर वो मैकेनिक है या डॉक्टर
हाँ, डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, वो जल्द से समझ में आ जाएगा। कि सोचिए कि कोई भी डॉक्टर है, हाँ, और अगर वो समझो कि उसने 100 पेशेंट चेक किए हैं, 100 ऑपरेशंस किए हैं, सर्जन डॉक्टर है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? और जिन्होंने जिसने मोर देन 1000 ऑपरेशंस कर दिए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? दोनों में किसका आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा? राइट, जिसने मोर देन 1000 ऑपरेशन कर लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे ही उसके पास जाओगे तो हम जैसे सिम्टम्स बताएंगे उससे उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन ये है। राइट, और उसका रिजल्ट भी 100% होगा, तो हम उसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाना चाहेंगे। तो वही सेम चीज है, अगर किसी ने 100 प्लान बताए हैं और किसी ने मोर देन 1000 प्लान बताए हैं, तो किसका आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा ये बिजनेस में? ऑब्वियसली, राइट, वो मास्टर बन गया है। तो मास्टर बनने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और कोई मैजिक नहीं है। बार बार वही चीज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं ये प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ा बहुत प्रिंट निकाला, थोड़ा बहुत हाईलाइट किया, उसको दो तीन चार बार मैंने रिपीट किया, तभी आपके सामने बोल रहा हूं। हम लोग आज भी लेक्चर्स लेते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे उसी प्रोफेसर को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एग्जाम्पल एक बार सॉल्व करने से नहीं आता है, उसे बार बार सॉल्व करना पड़ता है। राइट, तो वही चीज है, रिपीटेड वर्क वही इंक्रीज करेगा हमारा आत्मविश्वास। राइट, और आत्मविश्वास से ही हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे मुझे गर्व है, मैंने पढ़ा था एमवे के जो संस्थापक है रिच डिवॉस, राइट, ये पूरी एमवे कंपनी किस पे निर्भर है? ये आत्मविश्वास पे ही पूरी कंपनी है। ये कंपनी की सफलता की अगर कोई की है, कुंजी है, तो वो है आत्मविश्वास। ठीक है, उन जो एमवे के ओनर्स है, संस्थापक जिन्होंने स्थापना की, उनको ये भरोसा था कि भाई ये कंपनी है आगे जाके एक बहुत बड़ा स्वरूप लेने वाली है। और उनके साथ जो लोग जुड़ रहे थे, ठीक है, उनपे भी उन्होंने तब तक भरोसा रखा हुआ है जब तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं हुआ। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक उन पुरुषों और महिलाओं की इच्छा है जो खुद पर विश्वास करते हैं, आशा और उच्च लक्ष्य रखने का साहस करते हैं, जो आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। राइट, हमारी बात करें कि जैसे मैंने बताया ना कि बहुत हमारा प्राइमरी और ग्रेजुएशन तक का लाइफ, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई का पूरा लाइफ में कोई शौक नहीं पैदा कर सकते थे हम, कोई शौक नहीं, लेकिन काम करते गए करते गए करते गए, ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम भी किया, उसमें सफलता मिली नहीं मिली, कुछ नुकसान भी हुआ जीवन में, लेकिन कभी भी हमने हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया, हमेशा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा कि भाई लाइफ में अगर कोई भी चीज आती है, नुकसान भी आता है ना, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंने पैसों का नुकसान किया, लेकिन जो काम किया उसमें मैंने लर्निंग क्या लिया, उस लर्निंग पे फोकस किया। राइट, पैसों के नुकसान पे अगर फोकस करता तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, लेकिन लर्निंग पे फोकस किया, ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और अप रहा। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स आए फैमिली में, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में, कि जिन लोगों ने भी ऐसा बताया कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे, हाँ राइट, जिस दिन हमारा होटल लाइन का प्रोजेक्ट
और उसके बाद जब 2014 में मैं वहां एमवे में आया, ठीक है, तो मेरे जितने भी होटल लाइन के पार्टनर्स थे सभी डॉक्टर्स थे, सभी डॉक्टर्स, राइट। और उसमें से 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने एमवे करके छोड़ दिया था, और उस होटल का मैं एक लौटा डायरेक्टर था कि जिसको मैं रन कर रहा था पूरे एम्पायर को, मोर देन थ्री, 2014 की बात कर रहा हूं, राइट। तो अभी सोचिए कि उस टाइम पे जैसे ही उनको पता चल रहा है कि भाई जयेश ने एमवे ज्वाइन किया, तो सबसे पहले क्या बात आई कि भाई तू क्या कर रहा है, जो चीज हम करके छोड़ दिए वही चीज तू करने जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई आपने करके छोड़ दिया ना, आपको एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, वही एक्सपीरियंस मुझे भी करना है। जो एक्सपीरियंस आपने किया, आपने पैसे नहीं अर्न किए, मैं भी वही एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहा हूं, राइट। लेकिन मैंने कभी भी वो उस चीज को दिमाग में नहीं आने दिया, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ वही प्रैक्टिस करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। तो हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम हो गए, फाउंडर्स प्लेटिनम हो गए, राइट। हाँ, फॉरेन ट्रिप गए, तब जाके उनको बताया कि भाई हम लोग ये फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, ठीक है। अभी सोचिए कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इतना हम लोगों ने बनाए रखा था, और उसकी वजह ये है, तो ये पूरा माहौल है, ये पूरी टीम है, यहाँ के लीडर्स है, राइट। बुक्स बुक्स और सीडी है, एमबे के प्रोडक्ट्स और उसकी ट्रेनिंग है, उन सब में हम लोग इन्वॉल्व हुए। जिस दिन मैंने एमबे ज्वाइन किया ना, उसके 2 महीने तक मैंने एमवे की वेबसाइट पे, उस टाइम पे भी कुछ वीडियोस और लिफलेट थे, स्टार्टर गाइड आती थी, स्टार्टर गाइड पता है तो, उसके कौन से नंबर पे कौन सा रूल्स लिखा हुआ है वो सब मैंने पढ़ लिया था, राइट। कभी भी मेल करने का हो ना, तो मैं रूल्स नंबर 100 एंड 100 उसके साथ में लिखता था। तो देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है एजुकेशन, नॉलेज, जिस चीज में हमें आगे बढ़ना है उस चीज के बारे में सब इंफॉर्मेशन, उस तभी हमारी स्किल डेवलप होगी, राइट। और उसके बाद जब हम सक्सेस हुए, तो वही लोग बोल रहे थे कि भाई यार कुछ लोग सफल हो जाते हैं और तू जहां पे भी जाएगा वो सफल हो जाएगा, राइट। मैंने शादी की उसी टाइम पे मेरी वाइफ को बोल दिया था कि आपकी जब मर्जी हो ना तब ये जॉब छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि पैसा अर्न करने के लिए डर नहीं था हमें। क्यों डर नहीं था? तो कोई भी काम हम कर सकते हैं और उस काम को करते हुए उसमें एक्सपर्टाइज ला सकते हैं, राइट। और उसी तरह से ये बिजनेस में भी हमने एक्सपर्टाइज ला दी, राइट। और अभी थोड़ा टाइम है तो मैं जयश्री को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी कॉन्फिडेंस लेवल अभी उतना नहीं बना है कि मैं भी जॉब छोड़ दूं, राइट। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना तो बन गया कि उसने जॉब छोड़ दी, राइट। ओके, मींस कि देखिए, जॉब छोड़ना नहीं छोड़ना वो डिफरेंट बात है, लेकिन जो भी पथ पे आप चल रहे हो, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, राइट, जहां आपकी पूरी लाइफ आपको काटनी है, जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे भरोसा कितना है और अपने आप पर विश्वास कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल, राइट। अगर उसमें भरोसा नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि भी अपलाइन मेंटर, मेंटर किस लिए चाहिए? वो मेंटर वही है कि जो हमारे आत्मविश्वास को हर दम अप करता है, राइट। वो हमें हमेशा ये विश्वास दिलाता है कि भाई यस यू कैन डू, आप कर सकते हो, अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं, राइट। तो आगे की बात जयश्री करेगी। यस, ओवर टू जयश्री।
हेलो फ्रेंड्स, एवरीबडी गुड इवनिंग। नेक्स्ट अगेन जयश्री पटेल। मैं अर्ली रिटायर्ड टीचर हूँ। दिखने में तो नहीं दिखती हूँ कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन रियल में मैं हूँ। अभी मैं 9 महीने से मेरी ये जो लाइफ है ना, जो फ्री लाइफ बोलते हैं, मीन्स के जॉब से फ्री, वो मैं अभी इसका आनंद ले रही हूँ। थैंक्स एमवे, थैंक्स माय अपलाइन हितेशा बेन के, जिनके पास से मैंने बिजनेस सीखा था। जब मैं एमवे के प्रोडक्ट्स 10 साल से यूज कर रही थी, लेकिन मेरी जॉब थी, 2 छोटी बेटियां थी, तो मैं प्रोडक्ट्स तो यूज कर रही थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बिजनेस हम कर सकते हैं, ये बिजनेस से मैं जॉब से फ्री हो पाऊंगी, कुछ भी सोचा नहीं था, बस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। लेकिन जब हमने, मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस करना है, तब भी हमें पता नहीं था। वो मुझे मीटिंग अटेंड करवाने के लिए अहमदाबाद ले गए थे। हम जहाँ पे रहते थे वहाँ से अहमदाबाद 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं गई थी क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था। और मैंने मीटिंग अटेंड किया, तब मुझे विश्वास आया कि अरे ये बिजनेस तो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों हम एमवे से दूर चले जा रहे हैं? क्योंकि हमारे रिलेटिव काफी बार कहते थे कि आप कर सकते हो, लेकिन हम मना कर रहे थे। तो मैंने मीटिंग में देखा कि काफी लेडीज कर रही है, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लोग खुशहाल थे। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा था कि अरे भाई कितना अच्छा माहौल है, कितने लोग खुश है, अगर मैं बिजनेस करूंगी तो मैं भी खुश रहूंगी, मेरी भी लाइफ बदल जाएगी। तो हमने ये बिजनेस करना स्टार्ट किया कैमवे के प्रोडक्ट्स की। तो मैं अच्छी सेटिस्फाइड कस्टमर थी, तो लोगों को भी, जब मैं मीटिंग से वापस आई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों को बता रही थी कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं यूज कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि जब मैं मेरे खुद में स्किन का प्रॉब्लम था, मैंने काफी सारे स्किन स्पेशलिस्ट को बताया था, लेकिन मैं इश्यू सॉल्व नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे मैंने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स स्टार्ट कर दिए, तो वो स्किन का प्रॉब्लम जो मेरी बॉडी में था, वो कहाँ चला गया वो मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई कि अरे भाई ये प्रोडक्ट्स तो जादू है। तो मैंने सबको ये बात बतानी शुरू कर दी, सबके साथ प्रोडक्ट शेयर करने शुरू कर दी, तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ लगा। और मैं खास ये बात कहूंगी कि जब मैं नई थी तो मैं किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन कैसे बात करें। तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे बोला था कि आप ट्रेनिंग अटेंड करो, आप ट्रेनिंग में जाओ। लेकिन तब ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं थी, ये ऑनलाइन ट्रेंड नहीं था, तो हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती थी। लेकिन मैं तो जॉब कर रही थी, तो जॉब करने की वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने छुट्टी रख करके ट्रेनिंग अटेंड की। लेकिन आज हमारे पर प्रोडक्ट्स का इतना बड़ा नॉलेज है ना, कि हम किसी को कभी भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर ले सकते हैं। मैं लेडीज को खास कहूंगी कि आप ऐसे मीटिंग फंक्शन में आया करो। आप अगर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे, मीटिंग में आएंगे, आपके लीडर लेडी के साथ रहेंगे, तो आप में इतना भरोसा आ जाएगा, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी बहुत अच्छी तरह बात कर पाएंगे। देखो आज मैं फ्री हूँ, लोग मानते नहीं है कि मैं अर्ली रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं पेंशन ले रही हूँ अभी। देखो कि इतनी कम उम्र में मेरा पेंशन चालू हो गया है, और मैं मेरे बच्चों को, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको अच्छी तरह संभाल सकती हूँ, उनके साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। हम बड़े छोटे शहर में रहते थे, लेकिन आज बड़ी बड़े शहर में, मेगा सिटी में रह रहे हैं, मेरी लाइफस्टाइल बदल गई है, तो इसकी खुशी तो मैं कैसे बता सकूं। तो मैं आज जो भी लेडीज जुड़ी है ना, उनको बता सकती हूँ कि भाई आप भी सब लीडर पे भरोसा कीजिए, आप एमवे के साथ जुड़िए, आपके भी ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें और प्रोडक्ट्स के सेटिस्फाइड कस्टमर बनिए। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तब भी आप दूसरी लेडीज को बात कर पाएंगे, और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए,
क्योंकि आप हमेशा स्माइली फेस पे रहेंगे ना, तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा बना पाएंगे। हमने तो बहुत एमवे बिजनेस के रिवॉर्ड्स हम एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और आज हमें इस ओपन मीट में बोलने का मौका मिला, इसके लिए हम सबके थैंक्सफुल है। ओके, थैंक भाई 100 साल तक पेंशन लेना है ड्यू टू न्यूट्री लाइफ, हमें ये भी भरोसा है। हाँ, ये 100% मैं डैम श्योर हूँ कि भाई, हाँ 100। और आपको बता दूं कि 100 साल तक जो पेंशन लेता है ना, तो वो फिर डबल हो जाता है, राइट? तो सबसे लंबा पेंशन लेने का रिकॉर्ड बनाना है इनका, राइट? ड्यू टू न्यूट्रिशन न्यूट्रिशंस। अभी देखिए कि हमने जो बात बताई कि भाई सफल होने के लिए अगर स्किल डेवलप करनी है, तो उसमें मैंने आत्मविश्वास पे बात किया, राइट? तो वही जो बिजनेस के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए ना, वही सेम प्रोडक्ट्स पे भी होना जरूरी है। हाँ, तो समझो कि मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 2010 में मेरे घर में कुछ प्रोडक्ट्स एमवे का आया था, और उसमें 1000 रुपीज का प्रोडक्ट्स लिया जाए तो कुछ उसमें एक प्रोटीन पाउडर फ्री मिला था, राइट? तो वो प्रोटीन पाउडर जो फ्री मिला ना, मैं उस टाइम पे उतना कॉन्फिडेंट था कि ये प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीजें मार्केट की नहीं खानी चाहिए। 2010 से 2014 तक वही डब्बा हमारे घर में जिस जगह पे रखा था ना, उस जगह पे रखा हुआ रहा। कितना दिवाली कोई फेंकता भी नहीं था, वहीं पे साफ सफाई करके वहीं पे किचन में वापस आ जाए वहीं पे, राइट? जब मैंने 2014 में अहमदाबाद आके ज्वाइन किया और एमवे के प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग लिया, तब मेरा सबसे पहला जो ऑर्डर था ना, उसमें 5000 का पूरा न्यूट्रिशन ही था। आप रिलेट करो कि भी वो आत्मविश्वास कहां से आ गया अचानक से, जो 4 साल तक नहीं था वो अचानक कहां से आया, 4/6/2014 को एकदम से आत्मविश्वास कहां से आ गया? तो वो आत्मविश्वास कहां से आया, एमवे का अहमदाबाद का जो स्टोर है उसके ऊपर एक ट्रेनिंग सेंटर रहता था। तो मैंने जब सब प्रोडक्ट्स देखा, प्रोडक्ट्स देखने के बाद मैं ऊपर गया, ऊपर जाके जो मैडम कुछ बैठती थी उनको जाके सब चीजें बात की, मैंने पूछा कि ये सब खाने से क्या होता है, ठीक है, उसकी साइड इफेक्ट है या नहीं है। लेकिन उनका आत्मविश्वास मैंने देखा, क्योंकि मैंने तो प्रोडक्ट्स यूज नहीं की थी, लेकिन वो उनका जो आत्मविश्वास देखा, वहां पे जो लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आके प्रोडक्ट्स ले जा रहे थे, और उनके आत्मविश्वास पे मैंने मेरे बच्चों के लिए 5000 के न्यूट्रिशंस ले लिए थे उस टाइम पे। और उससे उस दिन से आज दिन तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हर दिन 7 से 8 न्यूट्रीलाइट नहीं खाई हो, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। आज हम दोनों नियर अबाउट मीन्स के 44 रनिंग है, ठीक है, लेकिन हमारी कॉलेज में जितने भी अध्यापक है, मेरे साथ वाले, मेरे एज वाले, उनके साथ में हम देखते हैं तो पता चल जाता है उनको कि भी इनके पास कुछ है, कुछ अलग से है, इनकी बॉडी में कुछ अलग है। और वो क्या है, तो वो न्यूट्रिशंस पे हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो है। अगर वो नहीं आता ना, तो आज हम भी वही रहते, नॉर्मल रहते, राइट? ठीक है, तो ये सब मीन्स कि हमारा भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और वही आत्मविश्वास की वजह से हमारी स्किल डेवलप हुई, और उस स्किल की वजह से आज हम इस लेवल पे सक्सेस है, और आने वाले वक्त में इससे भी और आगे सक्सेस होने वाले हैं, राइट? तो थैंक यू, आप सबके साथ बात करने का बहुत मजा आया, और इस अगेन थैंक्स टू ऑल लीडर्स कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका मिला। ओके, और हमारी ऑल LOS, योशित भाई, घनश्याम भाई, जाला सर, जिनकी वजह से, जिनकी प्रेरणा से आज हमारे में ये कॉन्फिडेंस है, आने वाले वक्त में हमारी टीम में यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो थैंक्स टू ऑल लीडर्स एंड एमवे। ओके, थैंक यू, एंड ओवर टू हेमंत भाई। जोरदार जोरदार, सुपर सुपर,
what a skill that makes you successful in life and career. Wonderful, wonderful presentation, Jayesh bhai and Jayashree ben. एंड जयश्री बेन का मतलब आज जब फेस देख रहे थे ना तो इतना बढ़िया, इतना मतलब कि स्माइलिंग फेस उनकी जर्नी हमको बता रहा था कि एक छोटे से गांव से भरोसे और विश्वास के साथ एक अर्ली रिटायर्ड टीचर की जर्नी कितनी बढ़िया है। और जयेश भाई के बारे में बताएंगे हेमंत? जयेश भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट हमारे साथ आज शेयर किए, तो कुछ समराइज करना चाहते हो। रातें रात चीज नहीं बदलती है, वी हैव टू पे द प्राइस। और आत्मविश्वास के बारे में उन्होंने बताया कि आप पैशन से काम कीजिए, कोई भी काम के प्रति आपका पैशन होना चाहिए। शक्ति मुद्रा मतलब बॉडी लैंग्वेज दिखाइए जब भी आप काम करते हो किसी के साथ में। फॉलो द लीडर्स, राइट, प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए कि भाई लीडर क्या कर रहे हैं हमारे साथ। और फोकस ऑन योर व्हाट यू वॉन्ट, आप जीवन में क्या हासिल करना पसंद करते हैं। और मानसिक रूप से उसको विजुअलाइज कीजिए, आपके ड्रीम को, आपके गोल्स को। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप जितना भी ये बिजनेस को जितना भी ज्यादा प्लान प्रोडक्ट शेयर करेंगे आपके साथ, ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। और आत्मविश्वास हमेशा नॉलेज और इंफॉर्मेशन से आता है। एमवे के साथ जुड़े तो एमवे के ऊपर भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। लेकिन हम एक चीज बोल सकते हैं जयेश भाई, क्या हम सभी लोग बोल सकते हैं कि आई कैन, राइट? सो आई कैन, राइट? हम लोग ये बिजनेस में तो आई कैन, राइट? ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ये बिजनेस हमें बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। और जयेश भाई मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमारा एक स्पॉटिफाई करके एक पॉडकास्ट का चैनल है, उसके ऊपर है ना डग डियोस का बिलीव करके एक पूरा सीरीज है। मैं आप सभी को लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसको आप सुनिए, उनको जो बिलीव के बारे में आज हम लोग जो भरोसा के बारे में बात करते हैं, डग डियोस ने बहुत अच्छा वो पॉडकास्ट बनाया है और बहुत बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर टॉपिक है, राइट? सो थैंक यू जयेश बहन, जयश्री बहन, आज आपका नॉलेज हम लोगों ने रियली आप एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीज हमें सीखने को मिली। और थैंक यू सुनील भाई, आपने हमें होस्टिंग करने का एक मौका दिया इस मीट के लिए। Yes, जी, हम लोग चाहेंगे कि महेंद्र सिंह झाला सर हैं तो एक मिनट वो भी एक अपना शेयर करें, क्योंकि अपलाइन कोच मेंटर हैं और हम लोगों को भी उनका लाभ मिल जाएगा। ओवर टू यू, ओवर टू सुनील, महेंद्र सिंह झाला सर। थैंक यू सर, ये बहुत बढ़िया जो है इंफॉर्मेशन आज दिया, बिजनेस प्लान भी बहुत बढ़िया दिखाया एंड साथ में ये जो टीचिंग सेशन था वो भी बहुत ही बढ़िया था। एंड मैं आपको बताऊं कि हमारे बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए लोग नहीं आते हैं, हमारे बिजनेस में पूरा पैकेज जो है लोगों को पसंद आता है, ठीक है? सिर्फ पैसा पैसा चाहिए, बट एक 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 जो है उसकी जो जरूरत है जब वो पूरी हो जाती है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए, है ना? जैसे हम खाना खाते हैं तो सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, हमें सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए। वो वैसे ही हमारे लाइफ में भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो सब अलग अलग होना चाहिए। पैसा इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? हमारे बिजनेस में जो माहौल है, जो एनकरेजिंग माहौल है, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। यानी मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ऐसा माहौल दुनिया में और कहीं नहीं है जो हमारे बिजनेस में पाया जाए। वंडरफुल। और जो एक बिजनेस यानी जो मीटिंग सभी कंडक्ट हो रही है सिंस लास्ट सो मेनी, यानी जब से कोरोना शुरू हुआ है, और सुनील भाई ने जो बहुत ही बढ़िया वो बीड़ा उठाया है उसको वो भली भांति पूरा कर रहे हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एंड बैक टू अवर होस्ट पादरिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू महेंद्र सर, थैंक यू, और आपके ब्लेसिंग बने रहेंगे।